दोस्तों अगर आप भी भुवनेश्वर कुमार को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले T20 मैच को जिताने वाले भुवनेश्वर कुमार को जब मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया तो वो भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। तो आखिरकार पहले T20 मैच में 4 विकेट लेकर अपनी टीम को हारे हुए मैच में जिताने के बाद क्या बोले भुवनेश्वर, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या में कौन एक बेहतरीन गेंदबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में पहला T20 मुकाबला भारत की शानदार जीत के साथ खत्म हुआ है। आपको बता दें कि पहला T20 मुकाबला भी रोमांच से भरा था। मुकाबले में 2 खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन कप्तान धवन इस बार टॉस हार गए और उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का ही मौका मिला। मैदान में उतरते ही भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत इतनी ज्यादा खराब थी कि पृथ्वी शॉ तो शून्य पर चलते बने। हालांकि इसके बाद कप्तान धवन ने कप्तानी पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर टीम की नैया को 100 के पार तो लगा दिया। जहां धवन ने 40 रन तो वही सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतकीय पारी खेली। इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट टीम को 100 के पार पहुंचाया। आगे चलकर कोई और खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सका। पांड्या भी बहुत ही कम रन पर आउट हुए और ईशान किशन चाहकर कुछ टीम के लिए खास नहीं कर सके, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम 5 विकेट के नुकसान पर 164 पर ही पहुंची और विरोधी टीम को लक्ष्य मिला 165 रनों का। लेकिन इसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ श्रीलंकाई टीम की शुरुआत ताबड़तोड़ रही। अविष्का के अलावा और भी खिलाड़ी मैदान पर सेट ही हो रहे थे कि कृणाल पांड्या ने भारतीय क्रिकेट टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। इसके बाद चहल ने भी विकेट लिया, लेकिन असली गेम चेंजर तो रहे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने सेट बल्लेबाज न सिर्फ अविष्का को आउट किया बल्कि आगे चलकर 3 और जरूरी विकेट लिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता देंगे एक और खतरनाक खिलाड़ी असालंका को दीपक चहर ने अपने ओवर में आउट किया और उसके बाद एक और विकेट लिया था। आपको जिसी तरीके से दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई टीम को 126 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और भारत ने इस मैच को 38 रनों के अंतर से जीत लिया। दोस्तों ये जीत वाकई में शानदार है, सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा भुवनेश्वर कुमार का। इसीलिए भुवनेश्वर कुमार मैन ऑफ द मैच बनते ही भावुक नजर आए, क्योंकि कई सालों बाद भुवनेश्वर ने इस तरीके की मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भुवनेश्वर कुमार को अवार्ड दिया गया तो वो भावुक नजर आए और भुवनेश्वर कुमार ने अपने बयान में कहा कि जब भी आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो आपका एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है टीम को जिताना। मैं खुश हूं कि हमारी टीम जीत पाई और इस जीत में मैं योगदान दे सका। पहला T20 मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ही खास था। हम अपनी पूरी तैयारियों के साथ मैदान पर उतरे। मुझे लगा कि स्कोर सम्मानजनक है, लेकिन फिर भी श्रीलंकाई टीम उसे चेस कर सकती है। बहरहाल इस जीत का सारा श्रेय टीम के सभी खिलाड़ियों को जाता है, क्योंकि 10 से 12 रन भी टीम को हरा सकते हैं और जिता भी। उसी तरीके से सभी खिलाड़ियों ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी और वक्त रहते श्रीलंकाई टीम के अहम विकेट लिए, वो ज्यादा मायने रखता है। हमें वक्त वक्त पर विकेट मिलते रहे और दीपक पांड्या साथ ही साथ चहल ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले मैच को जीतकर हमारी टीम इस सीरीज को अपने नाम कर लेगी। साथ ही मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी फैमिली, अपने सभी फैंस का, जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। क्योंकि जब मैं भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर हो चुका था उस समय पर सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन T20 विश्व कप से पहले मुझे एक बार फिर से मौका मिला और खुशनसीब मानता हूं कि अपने देश के लिए प्रदर्शन कर सका, उसे जिताने में कामयाब हो सका। मेरी पूरी कोशिश है कि अपनी टीम के लिए इससे भी बेहतर प्रदर्शन करूं और T20 वर्ल्ड कप में भी खेलूं। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उन्हें डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट कहा जाता है और वो शायद इसीलिए, क्योंकि ये खिलाड़ी आसानी से विकेट लेना जानता है और आज इन्होंने करके दिखाया। लेकिन भुवनेश्वर की गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या भुवनेश्वर को T20 वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए, इस बात का जवाब भी नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।